फर्स्ट व्लॉग, मुझे व्लॉग शूट करना नहीं आता, तो ये पहला व्लॉग है, तो लाइक नहीं करोगे पहले बता देता हूँ तो नया व्लॉग नहीं आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जा रहे हैं, हम लोग नहीं मैं ही जा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ यार छोड़ो, मैं जा रहा हूँ आज अभी लॉल भाई से मिलने और मयूर भाई से मिलने, दोनों आ रहे हैं वाशी में, तो अभी वो लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, तो थोड़ी देर में आ जाएंगे और वाशी, मेरे को भी जस्ट निकलना है। तो आज लॉल भाई का मीटअप है वाशी में 4 बजे, ठीक है, 4 से 7 बजे तक, तो बहुत मज़े करने वाले हम लोग। और एक चीज़ मुझे अभी याद आई कि ब्लॉग बनाते टाइम ना सबसे पहले सुबह उठ के अपना सूखा मुंह दिखाना होता है, ये दिखाना होता है, बट मुझे याद ही नहीं था, तो मैं तो डायरेक्ट रेडी हो गया, अब यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो मैं मुंबई जा रहा हूँ, सॉरी मैं मुंबई में रहता हूँ, तो वाशी जा रहा हूँ, तो देखते हैं गाइस आगे की ब्लॉग। तो गाइस कैब बुक हो चुकी है, कैब आ चुकी है, तो मैं अभी लिफ्ट से नीचे जा रहा हूँ, मेरी बिल्डिंग में भी लिफ्ट है, मेरी अभी राजमी थोड़ा सा छोटा लिफ्ट है, पर लिफ्ट है बिल्डिंग में। चलो अच्छा, तुम लोगों को मैंने ना अपना लुक नहीं दिखाया ना कि मैं कैसा देख रहा हूँ, कोई नहीं, अपन चलते अभी कैब में, मेरी बिल्डिंग है, अच्छे से नहीं दिखाऊंगा, क्या पता मेरे फैंस लोग पहचान जाए और फिर इशू हो जाएगा। अच्छा हमको सिखा रही है, चलो एक सेकेंड का इसमें चेक कर लूँ। तो गाइस फाइनली हम लोग कैब में आ चुके हैं, हमारे राइडर सर है। अबे लौड़े अपना काम कर। तो अभी अपने को आधे घंटे लगेंगे टोटल वाशी पहुंचने में, लॉल्स भाई भी ऑलमोस्ट ऑन द वे हैं, वो लोग भी आ रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग होटल में मिलने वाले हैं अभी, तो तब तक आप लोग सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। गाइस मैं वो होटल के बाहर तो आ गया हूँ, वो लोग कह रहे कि आधे घंटे और लगेंगे उनको आने के लिए, मैं तो बाहर ही खड़ा हूँ, थोड़ा वेट करते हैं उनका, देखते कितना टाइम लगता है उनको आने में, तो अपन कुछ खाते हैं। गाइस बाहर आया था मैं, गन्ने का जूस पी लिया था, वो लोग आ गए हैं, लेट्स सी जा रहा हूँ, देखते हैं। और हेलो सर, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, ये सब तेरे को कराना होता है, हम तो करवा रहा है। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, अरे भाई कैसा, बढ़िया ना, चालू आ रहा है, आ रहा है, बिजी आ रहा है, सेल्फियां ले रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, ये कांच बहुत अच्छा है, इसलिए अभी हम लोग दिखाने वाले होटल कैसे खुलेगा, लगा ऊपर लगाना होता है सर, आपको खोलना आता है सर? भाई खोलना नहीं, सब करना आता है, खोलना तो शायद आता है। बहुत तेज हो रहा है। तो गाइस ये है टॉयलेट, सबसे पहले मैं भी दिखाऊंगा। तो गाइस
बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। तो गाइस ये हमारा रूम है, ये हमारा, हाँ हमारा ही रूम है, आज से हमेशा के लिए हमारा है ये। तो जैसे ये तो कोई वैसे बाथरूम है दिया रहा, अच्छा बाथरूम है, इसमें नहाते हो, किसी को देख भी सकते हो तुम लोग। वैसे एक तो चीज़ ये पता क्या है, देखो ये दरवाज़ा बंद हुआ ना तो कुछ लॉक नहीं है भाई, ये डायरेक्ट खुल जाता है, तो इशू है भाई अंदर। तो ये रूम है, क्या तकलीफ है जनाब आपको? भाई गर्मी हो रही है। आप क्या पेल रहे हो? बटन को जीरो जीरो दबाओ, 100 दबाना। उनको रूम नंबर तो पता ही रहेगा। नहीं उठा रहे क्या? हेलो क्या बोला? चेक करता। ये देखो गाइस, ये देखिए गाइस प्याज व्याज ले लिए भाई की, जिसको जिसको सांसें चढ़ी हुई है, जिसको मिर्ची लगानी है ले लो। अरे व्लॉग बन रहा था, छेड़ना नहीं था अभी। अबे तो व्लॉग बन रहे थे, इंसान खाएगा नहीं क्या? व्लॉग ही देखेगा क्या? मेरे को तो कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आया व्लॉग बनाने का। अबे लौड़ेगा भाई, ऐसे ही बन जाएगा। बन जाएगा यस गाइस, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बताओ क्या किया जाए, बताओ। खुले रोड पे, खुले सड़क पे बोलना चाह रहा हूं। अरे तुम इनकी उतारो भाई, मेरी उतर भी जाएगी, कुछ निकल भी जाएगा। है। है। मैं तो हेलीकॉप्टर से नीचे पैर ना रखूं, ये तो डाउन टू अर्थ है हम लोग। ये डाउन टू अर्थ है, चलो पैदल घूम रहे गाइस थोड़ा सा। बाकी हेलीकॉप्टर से आज तक मैंने पैर नहीं रखा है। ये तो मयूर भाई तो खुद का जेट लेके आ रहे थे। स्ट्रीम भी मैं हेलीकॉप्टर में बैठ के करता हूं। गाइस हम लोग कॉफी बना साला इसी में आया, ऐसे निकल के कॉफी बना। गाइस हम लोग कॉफी बना रहे हैं। फेस वॉश था ये, जेल है वो? जेल है मेरे पास, ये वैक्स है और जेल है मेरे पास। वैक्स क्या काम कर? वैक्स सॉलिड वाला होता है, हार्ड होता है, वही लगाते हैं। मेरे बाल में सही लगेगा वैक्स? तो बाल पे डिपेंड करता है, धो लेना। मेरे अभी आज ही मैं शैम्पू डाल के आया हूँ। हाँ तो लगाओ ना, ट्राई करते, सेट नहीं हुए तो गीला करके पोंछ लेना ना, क्या जाता है, बह रही सूख जाएगा तुरंत। मामा अर्थ नहीं, नहीं। पापा ये मेडिकल वाला है, ये पापा है। मैं भी बना देता हूँ, देखिए यहाँ पे लोग अपना दो रहे हैं। बूम बाम के लिए प्राइवेसी मेंटेन रखो मेरी। मयूर भाई गेटिंग रेडी, बस बस ज्यादा ऐसे दबाना मत वरना पूरा चिपक जाएगा, चंपू बन जाओगे। सबके सब हीरो बन के जा रहे हैं भाई, काम ही ऐसा करने जा रहे हैं ना, जैसे नाम ही ना होगा। सब लोग रेडी हो चुके हैं, मेरे कैमरा में तो अंधेरा छा गया है, ले रहे तो अच्छे से लो सब फोटो। ऐसा लग रहा सर आपको? भाई फट रही है, ऑलरेडी लेट हो चुका है, मेरे को दो वाला आ चुके हैं कि भाई जल्दी हो, जल्दी जल्दी हो। अभी जाते देखते हैं भाई क्या माहौल है, मेरे को नहीं पता। आई एम क्या बोलते उसको, आउट बोल रहा है वो, आई नहीं पता।
इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं। कैसा लग रहा है? जो सोचा था उससे अरे वो मेरे को भी लग रही है, मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ ना, वो ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे कर रहा है, हाँ खड़ा है वो। गाइस फाइनली मीटअप खत्म हो चुका है, वापिस आ चुके हैं, देखो सब लोग थके हुए एग्जॉस्ट लग रहे हैं पूरे एकदम। भाई मेरी तो जान निकल गई भाई व्लॉग बनाते बनाते, चल जल्दी एंड कर, मेरे को कुछ बातें करनी है भाई जी, कुछ बोल रहा है। ओके सो फाइनली कैंप वैम आ गए, बैठ गए, अभी ऐसा थोड़ा चिल माहौल है यार, हम सब तीन लोग बातचीत करेंगे आपस में। भाई तुमने सोचा नहीं रहेगा कि मैंने, मेरा ओवर थिंकिंग कितना ज़्यादा था, मैंने ये सोचा था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 10-15-20 बन। तो गाइस हम लोग अभी मीटअप के बाद आ चुके हैं होटल में, अभी बहुत मज़ा आया, जो सोच के गए थे उससे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सोचा नहीं था भाई, कितना जाते ना, इतना प्रेशर था ना भाई, सारा रिलीफ जो मिला है ना उधर।